फ्रेंड, दिस इज राय एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज इस नए वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, मैं आ गया हूँ एक नए स्टेट में, नए स्टेट को एक्सप्लोर करने के लिए। तो गाइस, अगर मैं बताऊँ कि अभी मैं किस स्टेट में हूँ प्रेजेंट टाइम में, तो अभी मैं हूँ यार गुजरात स्टेट में। तो यार, अभी मैं हूँ गुजरात स्टेट में और गुजरात स्टेट को पूरा एक्सप्लोर करने के लिए आ गया हूँ मैं। तो गाइस, फाइनली गुजरात स्टेट के जो सीरीज़ बनाने वाला हूँ एक मैं, उसमें आज का एक पहला वीडियो जिसको मैं एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ, अगर वो जगह का नाम अगर मैं बताऊँ तो वो गाइस एक यूनियन टेरिटरी है। तो अभी आप सोच रहे होगे यार गुजरात है तो स्टेट है, लेकिन यूनियन टेरिटरी कहाँ गया? तो हाँ गाइस, गुजरात के अंदर कई सारे यूनियन टेरिटरी हैं जिसमें दादर, दमन एवं नगर हवेली भी है। तो उसी में आज एक दमन जो प्लेस है, ब्यूटी है, तो उसको मैं एक्सप्लोर करने के लिए आया हूँ। तो चलो गाइस, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना और आपको मैं दिखाता हूँ दमन के हेरिटेज प्लेसेस जो भी एक्सप्लोर करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे मोस्टली बीचेस हैं, तो आज दमन के बीचेस को एक्सप्लोर करने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ। तो गाइस, वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना। तो चलो, अगर वीडियो के लास्ट जरूर बने रहना, वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर नए हो यार, पहली बार इस चैनल को देख रहे हो, मुझे देख रहे हो, तो गाइस वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना, क्योंकि मैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाते रहता हूँ। तो गाइस, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। जो कि है दमन में। तो चलो यार, अभी मैं आपको बीच को दिखाता हूँ पास से। ये जस्ट मेरे पीछे दिख रहा है, ये है देवका बीच। तो चलो यार, इसको पास से दिखाता हूँ। और यहाँ पे जो था मेरा ऑटो लाके मेरे पीछे, ये आपको रोड दिख रही हो, वहाँ पे ऑटो ने छोड़ दिया है। तो चलो यार, बीच पे चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि यहाँ के फीचर्स क्या हैं और यहाँ पे आप कैसे आ सकते हैं। तो गाइस, सामने हमारे है ये देवका बीच और ये बीच में रोड चल रही है गाइस, और इसके जस्ट बगल में है ये देवका गार्डन। यहाँ पे आप आके छांव में आराम कर सकते हैं, और आराम करने के बाद, कुछ खाने पीने के बाद, यहाँ से आप जाके नीचे उतर के बीच को एक्सप्लोर कर सकते हैं। बहुत ही मस्त लग रहा है यार यहाँ। तो फाइनली यार, मैं बीच के रोड के साइड में आ चुका हूँ। ये है बीच का रोड, ये रोड है, इसके जस्ट साइड में उस पार जो है वो बीच पूरा दिख रहा होगा, इसकी ज़मीन दिख रही है। एक्चुअली में अभी दोपहर का टाइम है, तो मुझे लगता है कि पानी जो है, सी वाटर जो है, अभी थोड़ा दूरी पे है, शाम होते होते वो जो पानी है थोड़ा और आगे आना चाहिए। तो गाइस, अभी हो रहा है दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। एक्चुअली मैं चला तो सुबह 10 बजे ही चला था। एक्चुअली मुझे यहाँ के बारे में टोटल भी कोई भी नॉलेज नहीं था। जहाँ पे मैं रह रहा हूँ इस टाइम पे, वहाँ से इसकी डिस्टेंस मोस्टली होगी तो 11 किलोमीटर थी, और यहाँ फाइनली आते आते मुझे लग गए 2 से 3 घंटे, क्योंकि मुझे यहाँ के बारे में बिल्कुल ही पता नहीं था कि कहाँ पे ऑटो मिलना है, कहाँ पे बस मिलना है, तो इस वजह से मुझे थोड़ा देर लग गया। एक्चुअली मैं गूगल मैप भी कर रहा था, ओपन किया था, लेकिन फिर भी ऑटो ना मिलने वजह से थोड़ा देर हो गया। तो फाइनली गाइस, कोई दिक्कत नहीं है, फाइनली मैं बीच पे आ गया हूँ। तो चलो यार, रोड को क्रॉस करते हैं, उसके बाद से मैं आपको दिखाता हूँ। जो शुरू हो रहा है यार, वो उधर कॉर्नर से शुरू हो रहा है। ये मोस्टली कहते हैं लोग यार, गोवा, मिनी गोवा इसको बोलते हैं, पता नहीं क्यों बोलते हैं, तो अभी पता चलेगा थोड़ा देखने के बाद। तो फाइनली यार, बीच वो वहाँ शुरू हो रहा है, वो वहाँ तक लास्ट तक जा रहा है। कम से कम मुझे लगता है कि 2 से 3 किलोमीटर तो होगा ही होगा। तो देखते हैं यार, कितना ट्रेवल करके देख सकता हूँ, कितना पैदल चल के देख सकते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो फाइनली यार, स्टेयर है, इससे उतरने लगा हूँ मैं। ट्रांसपोर्टेशन की यहाँ पे अच्छी व्यवस्था है, ये जो साइड में है यहाँ पे पार्किंग की अरेंजमेंट कर रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा। एक्चुअली ये यूटी है, तो यहाँ पे जितनी फैसिलिटी की गई है, यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता है। यूटी का मतलब जो भी स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे कोई नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे जितना भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम जो जितना भी होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर एडमिनिस्ट्रेशन तक, सारा काम जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है। तो उन्हीं ने ये बीच को डेवलप किया है। एक्चुअली ये गाइस यार, मैं मरीन ड्राइव जो मुंबई का है उससे कुछ मिलता जुलता है, बस यहाँ पे ये जो गेट्स बनाए गए हैं वो मरीन ड्राइव का नहीं है, बाकी जो है मोर ऑफ द सेम, ये मरीन ड्राइव के जैसा ही है। काफ़ी धूप लग रहा है यार। एक्चुअली मुंबई में था तो उतनी धूप वहाँ पे नहीं होती, मतलब गर्मी वहाँ पे बहुत कम है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है।
यहाँ गुजरात आते हैं तो थोड़ी गर्मी महसूस होने लगी है, और हमारे यूपी में तो यार वहाँ पे तो सर्दियाँ चल रही हैं, लोग स्वेटर वगैरह पहन रहे हैं, और यहाँ पे देखो टी शर्ट में ही मैं घूम रहा हूँ इस टाइम, प्रेजेंट टाइम में यूपी में हमारे इधर बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है गाइस। आप अगर यूपी से होंगे तो आप जान सकते हैं, और फिलहाल मैं प्रेजेंट टाइम में जनवरी में यहाँ पे हूँ गुजरात में, तो यहाँ पे यार बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते लेकिन हाँ गर्मी है यहाँ पे। गाइस साइड के पीछे का नज़ारा देख रहा हूँ, ज़बरदस्त लग रहा है ना, लेकिन यही है यार कि पानी जो है ना, जो सी वाटर है बहुत पीछे चला गया है। देख रहा है मेरे पीछे जो आदमी दिख रहा है, जो फैमिली दिख रही है, वो कितने छोटे छोटे दिख रहा है, मतलब पानी जो है बहुत दूर चला गया है। तो यार काफ़ी ट्रेवल करके अगर पानी को टच कर रहा है तो काफ़ी दूर चल के जाना पड़ेगा, तो मैं ये नहीं करने वाला हूँ क्योंकि क्या पता यार रिस्क हो सकता है, पानी कभी भी इधर आ सकता है यार, हाई टाइड लो टाइड बनता रहता है। कोई नहीं, मैं आपको दिखाता हूँ, ये पूरा बीच है यार। फर्स्ट टाइम है जब मैं आया हूँ दमन बीच को एक्सप्लोर करने, जैसे कि कोई भी यूटी को एक्सप्लोर करने यहाँ पे आया हूँ मैं यार। तो गाइस अगर मैं बताऊँ कि आप यहाँ पे कैसे आ सकते हैं यार ट्रेवल करने, और कैसे अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं यहाँ पे, तो गाइस अगर मैं बताऊँ कि यहाँ पर आप कैसे आ सकते हैं, तो मोस्टली अगर मैं बताऊँ कि कहीं से भी आ रहे हैं आप, इंडिया के किसी भी कोने से अगर आ रहे हैं, तो यहाँ का नियरेस्ट रेलवे स्टेशन जो है वापी है, तो आपको सबसे पहले वहाँ वापी पे आना पड़ेगा। वापी में आप स्टे ले सकते हैं, यहाँ पे रूम वगैरह भी मिलते हैं अवेलेबल, होटल भी अवेलेबल है, और अगर वहाँ नहीं रहना चाहते हैं तो आप बीच साइड पे भी, यहाँ पे बहुत सारे होटल हैं, वहाँ पे भी आप आके रूम वगैरह ले सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं गाइस। और अगर मैं बताऊँ कि वापी रेलवे स्टेशन से यार इसकी डिस्टेंस कितनी है, तो यार ये जो बीच है देवका बीच, यहाँ के डिस्टेंस मोस्टली मुझे लग रहा है कि गूगल पे मैंने देख रहा था तो वहाँ पे 12 किलोमीटर ही दिखा रहा था, लेकिन आने में जा नहीं सकते हैं, ऑटो वाले कहाँ कहाँ से घुमा के लाते हैं। तो देवका बीच के आने के लिए आपको ऑटो वहाँ से मिल जाएगा, कुछ भी मिल सकता है, ऑटो बस सब कुछ मिल सकता है। अगर आप ऑटो से आएंगे तो आपका ज़्यादा किराया लग सकता है, और बस से आते हैं तो आप सस्ते में भी यहाँ पे आ सकते हैं, 10-20 रुपए का किराया है, बाकी ऑटो से तो आपको ज़्यादा लग ही सकता है, आप जान सकते हैं। तो गाइस ये मेरा फर्स्ट टाइम है जो मैं यूटी को एक्सप्लोर करने आया हूँ, और यार यहाँ पे देखो पत्थर जो है ये वाइट स्टोन, यार लग रहा है कि चिड़िया का अंडा एग है, इतना मस्त लग रहा है ना, इसको रख लेता हूँ मैं। तो गाइस अगर मैं बताऊँ दमन के बारे में यार, तो दमन एक यूनियन टेरिटरी है, और इसका खुद का यार एक लैंग्वेज है, मतलब यहाँ के लैंग्वेज ही अलग है, मतलब पास ही में गुजरात है, पास ही में महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र की लैंग्वेज अलग है, गुजरात की भी अलग है, और यहाँ जो है दमन की भी अलग है, मोस्टली यहाँ पे कुछ अलग ही लैंग्वेज बोल रहे हैं, गुजरात का भी नहीं समझ में आ रहा है, ना ही मुझे गुजरात का लैंग्वेज समझ में आया आज तक, ना ही महाराष्ट्र का समझ में आया, ना ही दमन का समझ में आ रहा है फिलहाल। वैसे जहाँ पे जाएंगे आप हिंदी तो मोस्टली लोग समझ ही जाते हैं, हिंदी इंग्लिश तो समझ ही जाते हैं, तो उसी से काम चला रहा हूँ फिलहाल, तो ये तीनों लैंग्वेज मुझे अभी तक समझ में नहीं आया, थोड़ा बहुत मराठी मुझे समझ में आ जाता है, लेकिन गुजराती तो 1% भी नहीं समझ में आया, और यहाँ पर जो लैंग्वेज बोल रहे उससे पता नहीं क्या नाम है, वो तो बिल्कुल भी नहीं समझ में आ रहा। तो जहाँ भी आप जाओगे यार, जितने भी स्टेट एक्सप्लोर करोगे यार, वहाँ की सबका कल्चर, नेचर और वहाँ का क्लॉथिंग सब कुछ बहुत ही डिफरेंट होने वाला है यार, और यही तो हमारे इंडिया की खूबसूरती है गाइस। तो गाइस यही घूम के मैं एक्सप्लोर करता हूँ और देखता हूँ यार, और आपको भी दिखाता हूँ कि इंडिया कितना डाइवर्स है। यह पास पास में ही पानी बदल जाते हैं, ज़मीन बदल जाती है, और लैंग्वेज बदल जाती है यार, फूड बदल जाता है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यार एक्सप्लोर करते हुए। और आप भी यार, आपको भी जब भी मौका मिले आप ज़रूर एक्सप्लोर करो यार, इंडिया को ट्रेवल करो, इंडिया को देखो, बहुत सारी डाइवर्सिटी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। तो गाइस फाइनली ये रहा दमन के बारे में, तो गाइस चलो अभी उस पार चलते हैं और आपको दिखाता हूँ। तो यार इस बीच की अगर मैं खासियत बताऊँ, तो यार बहुत सारे बीचेस मैं जा चुका हूँ, वहाँ पे घूम चुका हूँ, मुंबई से लेके गुजरात तक के बहुत सारे बीचेस में मैं जा चुका हूँ। तो यार इसकी खासियत अगर मैं बताऊँ, तो यार बहुत जितने भी मुंबई में बीचेस हैं ना, वहाँ पे आपको मिलेगा रेत है, मतलब मिट्टी है वहाँ पे बीच के साइड पे, लेकिन यहाँ पे यार मिट्टी एक भी नहीं है, यहाँ पे पूरे पूरे स्टोन है, सब स्टोन है यहाँ पे, सब स्टोन है यहाँ पे, यहाँ पे मिट्टी है ही नहीं यहाँ पे। और यहाँ पे घोड़े वाले भी बहुत सारे चल रहे हैं, ऊँट वगैरह भी हैं यहाँ पे, आप जिसका भी चाहे मज़ा ले सकते हैं, सवारी कर सकते हैं। तो फाइनली यार बीच के एकदम साइड में आ गया हूँ मैं, किनारे पे एकदम, ये जो दिख रहा है ये सब सारे
स्टोन के रॉक्स हैं यार, सब रॉक्स हैं यहाँ पे जितने भी दिख रहे हैं। ये ऊंची ऊंची जमीन बिल्कुल भी नहीं है, ये सब रॉक ही हैं। तो चलो यार थोड़ा आगे चलता हूँ और आपको दिखाता हूँ यार आगे चल के क्या नज़ारे हैं। जितना दूर जा सकूंगा बस उतना ही जाऊंगा, जहाँ पे बहुत ही रिस्की है, फिसल भी सकता है। तो गाइस चलो थोड़ा आगे चलते हैं, यहाँ पे देख लो यार पूरा स्टोन वगैरह है और यहाँ से ये मैं जाने वाला हूँ। चलो देखते हैं, आपको आगे से चल के दिखाता हूँ। एक बंदा वहाँ पे बैठा, है बीच साइड के एकदम जो बड़ा सबसे बड़ा जो रॉक है उस पे मैं आ गया हूँ फाइनली। और यार यहाँ पे आते आते मुझे लगने लगी है थोड़ी भूख और प्यास, तो अभी मेरे बैग में जो है स्नैक्स, उसको खाते हैं और थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करते हैं। और यहाँ से नज़ारे यार, ओ जबरदस्त लग रहा है। ये तो मेरा बैक साइड का है, ये जो ओशियन आपको दिख रहा है इधर साइड में ओशियन है, जबरदस्त लग रहा है यार, मस्त व्यू है यहाँ पे। और यहाँ पे यार कोई फ़ोटो क्लिक करने वाला होता है यार, मेरा एक फ़ोटो निकाल देता है यार फाइनली, मज़ा आ जाता है यार। लेकिन क्या ही बताऊँ, कोई है ही नहीं यहाँ पे, एक दो लड़के हैं दिख रहे हैं इस साइड में बैठे हुए हैं, बाकी तो यहाँ पे दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा। तो चलो यार यहाँ पे बैठते हैं और थोड़ा पानी पीता हूँ यार, थक गया मैं चलते चलते। अंदर से तो मैं आ गया यार, वो पूरा पानी के पास तो नहीं जा पाया, काफ़ी दूर था, जाना भी पॉसिबल नहीं है। तो फिलहाल मैं अंदर से थोड़ा बैठ के वहाँ पे हवा लेके बाहर निकला यार। और फाइनली गाइस मैंने सारा ही एक्सप्लोर कर लिया बीच यार, उधर साइड से लेके वो पूरे साइड पीछे तक के साइड को एक्सप्लोर कर लिया। तो अभी चलेंगे मार्केट में, वहाँ का भी एक्सप्लोर करेंगे, आपको दिखाऊंगी मार्केट में क्या क्या चीज़ें बिक रही हैं, यहाँ के क्या क्या लोकल हैं, क्या क्या हमारे स्टेट की भी यहाँ कुछ मिल सकती है कि नहीं मिल सकती है, वो सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहना गाइस, चलो मार्केट में चलकर आपको दिखाता हूँ। तो ये है यार यहाँ का लोकल मार्केट का अंदर का पूरा, ये जो दिख रहा बिल्डिंग ये है, चलो इसके अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते देखते इसके अंदर क्या क्या बिक रहा है।